अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूअर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल डाइवर्स इंफॉर्मेशन हब। आई होप सो कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज की वीडियो में मैं आपके लिए चंद चीज़ें लेकर आया हूं। सबसे पहले मैं आपको ये बताऊंगा कि ये जो स्मार्ट वॉच है इसकी बैटरी पावर कितनी है। दूसरी चीज़ मैं आपको बताऊँगा कि आपने कितने एम्पेयर के चार्जर से इसको चार्ज करना है और कितना चार्ज करना है। और तीसरी चीज़ ये कि इस बैटरी को मैंने टेस्ट किया है कि ये अगर आप इसे मुसलसल यूज़ करते हैं तो ये कितने दिन तक चलती हैं, अगर आप सिर्फ इसको टाइम देखने के लिए यूज़ करते हैं तो ये कितने दिन तक चलती हैं। और आखिर में सबसे जो इंटरेस्टिंग फीचर है कि आपने इससे साइकिलिंग के फीचर को किस तरह यूज़ करना है और स्टॉपवॉच को किस तरह यूज़ करना है, तो वो भी मैं आपको बताऊँगा। तो वीडियो को एंड तक देखिएगा। इस तरह की मज़ीद इंटरेस्टिंग वीडियोज़ के लिए हमारे चैनल डाइवर्स इंफॉर्मेशन हब को सब्सक्राइब करें, वीडियो को भी लाइक करें ताकि हमें इससे मोटिवेशन मिलते रहे और हम आपके लिए इससे अच्छी से अच्छी वीडियो लेकर आते रहें। और अगर आपका कोई भी सवाल हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं आपको ज़रूर उसका जवाब दूँगा। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो सबसे पहली चीज़ कि इस i8 Pro Max स्मार्ट वॉच की बैटरी पावर कितनी है। तो इसकी बैटरी पावर जो है वो 200 mAh बताई जाती है। इसकी बैटरी पावर 200 mAh है। दूसरी चीज़ कि आपने इसको कौन से चार्जर से चार्ज करना है और कितना चार्ज करना है। तो इसके लिए मैं आपको 1 एम्पेयर के चार्जर से आपने इसको चार्ज करना है, ठीक है। अगर आपके पास 1 एम्पेयर का चार्जर नहीं है, एडाप्टर नहीं है, तो आपने इस तरह करना है कि अगर आपके पास लैपटॉप है या PC है तो आपने इसका केबल PC में या लैपटॉप में इंसर्ट करना है और उससे वो चार्ज हो जाएगा। तीसरी बात ये कि अगर आपने चार्ज करना है तो कितने देर तक चार्ज करना है। तो अगर आपने इसको मैक्सिमम चार्ज करना है तो तकरीबन 60 मिनट तक आपने इसको चार्ज करना है, तो ये इसकी बैटरी जो है वो फुल हो जाएगी। PC में और लैपटॉप में भी जल्दी चार्ज हो जाता है, डिपेंड करता है। तो अभी चलते हैं एक इंटरेस्टिंग फीचर की तरफ। साइकिलिंग का इसका ऑप्शन है कि आपने मतलब कितने किलोमीटर आप साइकिल पे चले हैं और आपकी जो एनर्जी है वो कितनी उसमें यूज़ हुई है, यूटिलाइज़ हुई है। तो वो उसके लिए आपके पास ये जो आप देख रहे हैं स्क्रीन पे, ये साइकिलिंग का ऑप्शन है, ये मैंने दबा दिया। तो यहाँ से आप देख सकते हैं ये जो 0.0 किलोमीटर, ये आपको डिस्टेंस बताएगा कि आपने कितने किलोमीटर साइकिल पे कवर किया है। और यहाँ पे 0.000 किलो कैलोरीज आपको एनर्जी की वैल्यू बताती है कि आपने कितने एनर्जी यूटिलाइज़ किया है। तो ये देख सकते हैं मैंने यहाँ से मतलब स्टार्ट कर दिया, जब मैं साइकिल पे बैठूँगा तो मैंने यहाँ से स्टार्ट कर देना है और जैसे ही जहाँ तक मैं चलूँगा तो ये मुझे शो करेगा कि आप इतने किलोमीटर चले हैं और इतनी एनर्जी आपकी यूटिलाइज हुई है। तो ये था साइकिलिंग का फीचर। इसके अलावा अब एक और इंटरेस्टिंग फीचर की तरफ चलते हैं, ये है स्टॉप वॉच। ये आप देख सकते हैं स्क्रीन पर, ये स्टॉप वॉच आ गया है। अगर मैंने स्टॉप वॉच यूज़ करना है तो उसको मैं कहाँ से प्ले करूँगा, कहाँ से स्टार्ट होगा। ये जो बटन आप देख रहे हैं इस पर आप क्लिक करेंगे तो यहाँ से ये स्टार्ट हो जाएगा। आप देख सकते हैं ये स्टार्ट हो गए, ठीक है। तो अगर आपने फिर स्टॉप करना है तो इसको दोबारा आप क्लिक करेंगे, ये स्टॉप हो गया, ठीक है। और अगर आपने इसको रिसेट करना है तो इस बटन पे आपने क्लिक करना है, ये देख सकते हैं आप, मैंने इसको रिसेट कर दिया है। तो ये थी आज की वीडियो इस इंटरेस्टिंग फीचर्स के हवाले से। अगर आपको स्मार्ट वॉच के बारे में कोई फीचर समझ नहीं आ रही तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं आपके लिए ज़रूर इस चीज़ पर वीडियो बनाऊँगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और दोस्तों के साथ भी शेयर करें। अल्लाह हाफिज़।